आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ के लाइट टैंक को लेकर आई नई जानकारी। अगले साल लॉन्च होगा भारत का मीडियम वेट फाइटर तेजस MK2। अमेरिका ने टर्की को पाकिस्तान के लिए अटैक हेलीकॉप्टर सप्लाई करने से रोका। अगले महीने हासीमारा एयरबेस पर तैनात होगी रफेल फाइटर्स की दूसरी स्क्वाड्रन। और अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता तो फिर इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स तैयार थी जवाब देने को। अभी हाल ही में बिजनेस वर्ल्ड के एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार झा ने डीआरडीओ चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था और इस इंटरव्यू के दौरान डीआरडीओ चीफ की तरफ से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो तेजस MK2 प्रोग्राम है ये अपनी डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में है और जो इसकी डिजाइन एक्टिविटीज हैं वो भी पूरा होने के बेहद करीब है और इसका जो पहला प्रोटोटाइप है उसे अगस्त 2022 में रोल आउट करने के लिए शेड्यूल किया गया है। इसके अलावा जो भारत का AMCA प्रोग्राम है तो इसके भी कॉन्फ़िगरेशंस को फाइनलाइज कर दिया गया है और AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2024 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करने का शेड्यूल बनाया गया है। इसके अलावा इस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि भारत के जेट इंजन का क्या स्टेटस है तो उनका कहना था कि हमने अपने एयरक्राफ्ट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब हमें उसमें स्वदेशी इंजन को इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी तो बहुत ही कम बदलाव के साथ हम उसमें आसानी से अपने इंजन को इंटीग्रेट कर पाएंगे। बाकी उनका कहना था कि जो LCA MK2 है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन को प्लान किया गया है और इसके जो ट्रायल्स हैं वो 2022 से स्टार्ट किए जा सकते हैं। वहीं जो AMCA MK1 है उसमें भी यही सेम इंजन रहेगा, लेकिन जो AMCA MK2 होगा उसमें हम अपने स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करेंगे और जबकि बाद में जाकर जब स्वदेशी इंजन तैयार हो जाएगा तो फिर LCA MK2 में भी उस स्वदेशी इंजन को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। बाकी उनका ये भी कहना था कि जो हमारा TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर प्रोग्राम है जो कि इंडियन नेवी के लिए है तो इस एयरक्राफ्ट को भी इंडियन नेवी की सर्विस में 2032 तक इंडक्ट करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा जब उनसे DRDO की लाइट टैंक के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इंडियन आर्मी के लिए प्रस्तावित जो DRDO का लाइट टैंक होगा उसे हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेबल पावर पैक के साथ इक्विप किया जाएगा और जिसमें ऐसा इंजन इस्तेमाल होगा जो 1000 हॉर्स पावर तक को जनरेट करने में सक्षम होगा और साथ ही साथ उसमें मल्टीपल एमिनेशन को भी फायर करने की कैपेबिलिटी होगी। और DRDO चीफ का ये भी कहना था कि उनका ये लाइट टैंक हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑपरेबल टैंक इन द ग्लोब के नाम से जाना जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर ऑपरेट किए जाने वाला टैंक। उनका कहना था कि इस टैंक के डिजाइन वर्क को शुरू कर दिया गया है और हम जल्दी इसके टाइमलाइंस के साथ भी सामने आएंगे। इसके अलावा DRDO चीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके स्वदेशी AIP सिस्टम और ऐसी अन्य चीजों के बारे में भी जानकारी दी है और आप बिजनेस वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनका ये पूरा इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। कर्नल करण भाटिया ने अभी हाल ही में ANI के साथ बात करते हुए इस बात की जानकारी दी कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट को लेकर सहमति बनी थी और जिसमें यह तय हुआ था कि LOC पर दोनों तरफ से कोई भी अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद भी इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट को तैयार रखा गया था ताकि अगर कश्मीर वैली में दुश्मन की तरफ से किसी भी तरह का उल्लंघन किया जाता है तो उसका तुरंत ही जवाब दिया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस एग्रीमेंट के बाद से फिलहाल अभी तक LOC पर सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन कर्नल भाटिया का कहना था कि अगर दुश्मन इसका उल्लंघन करता भी तो भी हम उसका जवाब देने के लिए तैयार थे। और बाकी पैरा स्पेशल फोर्सेस क्या है इसके बारे में तो शायद हमें आप में से किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो इस पर हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बनाई हैं और केवल वीडियोस ही नहीं बल्कि हम 9 पैरा SF के एक्स कमांडो मेजर विवेक जेकब सर के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू भी कंडक्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं। बाकी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि कश्मीर के अनंतनाग में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो उस ऑपरेशन में अभी तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और उनसे एक AK-47 और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। सीनियर पेंटागन ऑफिशियल के मुताबिक अमेरिका भारत को आर्म्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करा के न केवल अपने मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन को मजबूत करना चाहता है बल्कि वो भारत को उसका खुद का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करने में भी मदद करना चाहता है ताकि भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से और अच्छे तरीके से काम कर सकें। उनका कहना था कि भारत के साथ अमेरिका की एक यूनिक डेजिग्नेशन है जिसे हम कहते हैं मेजर डिफेंस पार्टनर। ये तो आपको पता ही होगा कि 2016 में अमेरिका ने भारत को अपना एक मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था और जबकि अभी 19 मार्च से 21 मार्च तक अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन पहली बार भारत की यात्रा भी करने वाले हैं और उम्मीद है कि उनकी इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जा सकती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट है हमारे निकम्मे पड़ोसी की मीडिया की तरफ से जिसमें उन्होंने अपने कुछ सोर्सेज के हवाले से ये बताया है
कि अमेरिका टर्की को पाकिस्तान के लिए 30 लोकली मेड अटैक हेलीकॉप्टर सप्लाई करने से रोक रहा है। जुलाई 2018 में टर्की हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए टर्की और पाकिस्तान के बीच $1.5 बिलियन की डील साइन हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इन हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी डेट थी वो अमेरिका की वजह से पोस्टपोन करनी पड़ी थी, क्योंकि अमेरिका ने टर्किस कंपनी को इंजन्स का एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोवाइड कराने से मना कर दिया था। और अमेरिका ने टर्की पर प्रतिबंध इसलिए लगाए क्योंकि उसने रशिया से S-400 सिस्टम्स की डील साइन की थी। अगले महीने यानी कि अप्रैल के मध्य तक राफेल फाइटर्स की दूसरी स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के हासीमारा एयरबेस पर स्थापित की जाएगी। और आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन एक बेहद ही महत्वपूर्ण एयरबेस पर आता है, क्योंकि ये इंडो भूटान बॉर्डर के पास लोकेटेड है। और ये रणनीतिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स का वो एयरबेस है जो चुंबी वैली के सबसे करीब है। चुंबी वैली वही जगह है जहाँ पे भारत, भूटान और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का ट्राइन जंक्शन है। और हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल फाइटर्स के स्क्वाड्रन का स्थापित होना भारत को चीन के ऊपर एक अच्छी खासी बढ़त देगा। बाकी इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस रिपत नाइक की तरफ से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वर्तमान समय में भारत 84 से भी अधिक कंट्रीज को अपने डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उन्होंने स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण उन कंट्रीज के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि भारत जिन इम्पोर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है उनमें वेपन सिमुलेटर्स, टियर गैस लॉन्चर, टॉर्पेडो लोडिंग मैकेनिज्म, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नाइट विजन मॉनिकुलर एंड बायनोकुलर, लाइट वेट टॉर्पेडो और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स शामिल हैं। और इस जानकारी से ये बात भी साबित होती है कि अब भारत एक बिगेस्ट इंपोर्टर से एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर की लिस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकी अगर बात भारत के डिफेंस आइटम्स की हो ही रही है तो आपको एक जानकारी और दे दें कि पिछले एक साल में DRDO ने करीब 28 सफल परीक्षण किए हैं, जिनमें अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम, 10 मीटर का शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, भारत का मैरिटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, हैवी वेट टॉर्पेडो वरुण अस्त्र और ऐसे ही अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट शामिल हैं। इसरो के कॉमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL को 4 और लॉन्च सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुए हैं, और जबकि NSIL सैटेलाइट्स को बनाने की अपनी योजना के साथ भी आगे बढ़ रही है। और NSIL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जी नारायण का कहना है कि हमें जो 4 डेडिकेटेड लॉन्च सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुए हैं उन्हें भी अगले 2 से 3 सालों में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि अगले महीने यानी कि अप्रैल में SSLV की पहली उड़ान भी आयोजित की जा सकती है। और बता दें कि जो अभी 28 फरवरी को ब्राजील की पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट Amazonia 1 को लॉन्च किया गया था, उस सैटेलाइट को लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट भी NSIL को ही मिला था। इसके अलावा इसरो नासा के साथ मिलकर एक खास तरह की रडार को डेवलप कर रही है, और जिसे दुनिया के इस तरह के पहले कोलैबोरेटिव अर्थ सैटेलाइट मिशन के तहत डेवलप किया जा रहा है। और इस मिशन के तहत 2 खास तरह की रडार बनाई जाएंगी, जिसमें से इसरो बनाएगी एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार और नासा बनाएगी एल बैंड की सिंथेटिक एपर्चर रडार, और इन दोनों रडार्स को निसार नाम की सैटेलाइट में इंटीग्रेट किया जाएगा। और जैसे ही इसका इंटीग्रेशन पूरा होता है तो फिर उसके बाद नासा इस निसार सैटेलाइट को वापस इसरो के पास भेजेगी, ताकि इसरो उसे अपने GSLV MK2 रॉकेट से लॉन्च कर सके और इस खास सैटेलाइट को अगले साल के अंत तक या फिर 2023 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।